आज हम पढ़ते हैं 11th क्लास के सेकंड लेसन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर। तो इस लेसन को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने समरी को कवर किया है एक में पार्ट में, और 3 पार्ट में इस लेसन की टेक्स्ट को पढ़ाया है, जिसका डिटेल स्टडी करवाया है। अब टर्न आता है इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर लेने का। तो इसके क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में 2 हेडिंग्स हैं जिसको हमें एक्सप्लेन करना है, उसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद हम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट की बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर उसको कवर करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। तो कैप्टन द्वारा उठाए गए कदमों की को लिखना है हमें, डिस्क्राइब करना है, जिसकी 2 सब हेडिंग्स हैं, जिसमें पहला हमें एक्सप्लेन करना है टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन, और इसके बाद हमें दूसरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। इन दोनों लाइंस को या दोनों सेंटेंस को हमें एक्सप्लेन करना है, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे जो है हमारा। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन, हमें बताना है कि जब रफ वेदर हुआ तो हम शिप ने क्या प्रोटेक्शन लिया, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो आंसर होगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन। रफ वेदर से शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्टन ने उसे स्लो कर दिया, सो ही ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जेब एंड लेस्ड हैवी मोरिंग रॉप इन अ लूप अक्रॉस द स्टेम, और उसने उसे स्लो डाउन करने के लिए उसने रस्सी को से फंदा डाला, और जो स्टॉर्म जिप थी छोटी नाव उनको गिरा दिया, निकाल दिया। देन दे डबल फास्ट एंड एवरी थिंग एंड वेंट थ्रू देयर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, फिर उन्होंने सब कुछ बहुत तेज़ी से किया और जल्दी से शीघ्र ही अपनी जो लाइफ रेफ्ट ड्रिल थी, जो नाव थी जीवन की, उन्हें खोल दिया। जो छोटी नौकाएं होती हैं जो शिप में लगी होती हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, उन्हें खोल दिया। अब इसका जो सेकेंड सेंटेंस है वो है टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। शिप में जो वाटर, जो पानी भर गया था फ्लड में, जब बाढ़ टाइप की आके जो शिप में पानी आ गया था, उसे रोकने के लिए क्या किया है उन लोगों ने, क्या किया? तो इसका आंसर बनेगा, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, लैरी एंड हार्व स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर। लैरी और हार्व ने पानी को पंपिंग करना शुरू कर दिया। कैप्टन स्ट्रेस्ड कैनवास एंड सिक्योर्ड वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और कैप्टन ने कैनवास तिरपाल को फैलाया और वाटर प्रूफ हैच कवर किया उस गैपिंग होल में, जो होल हो गए थे, छिद्र हो गए थे, उनको कवर कर दिया पूरा वाटर प्रूफ कैनवास से। व्हेन द टू हैंड पंप्स ब्लॉक्ड एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, जब उसके 2 हैंड पंप ब्लॉक हो गए और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ख़राब हो गया, तो ही फाउंड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड स्टार्टेड इट। तो उसने एक और अनदर पंप पाया, उसे मिल गया चार्ट रूम में, और उसने उसे बाहर के पंप से जोड़कर पानी निकालना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने शिप में भरे हुए पानी को रोका और बाहर निकाला। जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वोएजेस ऑन 4th and 5th January। 4 और 5th January को जो वोएज की कंडीशन थी समुद्री यात्रा की, उस वोएज में जो मेंटल कंडीशन थी उन लोगों की, उसको डिस्क्राइब करना है हमें। तो आंसर है हमारा ऑन जनवरी 4 जनवरी को द वोएजर्स फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग आउट वाटर। 4 जनवरी को वोएजर्स ने 36 घंटे तक लगातार पानी को पंप करने के बाद रिलीफ महसूस किया। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, और 2 दिन में उन्होंने, तब 36 घंटे बाद उन्होंने पहला भोजन किया। देयर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनका जो रेस्पाइट था रिलीफ वो शॉर्ट लिव्ड था, थोड़े समय का थे का था। दे फेस्ड डेंजरस सिचुएशन ऑन जनवरी 5। जनवरी 5 की सुबह उन्होंने और ख़तरनाक सिचुएशन का सामना किया।
फियर ऑफ डेथ लूम्ड लार्ज, उनके मन में जो डेथ का डर का मृत्यु का भय था वो बढ़ गया। दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, और वो अत्यधिक मानसिक तनाव में थे। तो ये उनकी मेंटल कंडीशन थी जो उन्होंने 4 और 5 जनवरी को महसूस की। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो 3 सेक्शन में इवेंट्स को इंडिकेट किया गया है उसको बताना है। गिव अ सबटाइटल ऑफ ईच सेक्शन, और हर सेक्शन का सबटाइटल बताना है कि हर सेक्शन में इसका क्या नाम दिया गया है। तो आंसर है हमारा, द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स अ पीसफुल जर्नी फ्रॉम प्लायमाउथ टू 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केपटाउन। जो पहली यात्रा थी वो हमारी 3500 किलोमीटर प्लायमाउथ इंग्लैंड से लेकर केपटाउन अफ्रीका तक थी। द नैरेटर इज रिलैक्स्ड, और नैरेटर उस यात्रा में रिलैक्स था एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और विश्वास से भरा हुआ था। एज द वेदर डेटेरियोरेटेड, जैसे ही मौसम खराब हुआ, दे फेस्ड ह्यूज वेव्स, उन्होंने विशाल लहरों का सामना किया। दे टोक प्रिकॉशंस टू सेव देमसेल्व्स, उन्होंने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए प्रिकॉशंस लिए। एंड स्ट्रगल विद डिजास्टर, और पतन के साथ संघर्ष किया। द नैरेटर फेस्ड एवरीथिंग विद फाइटिंग स्पिरिट, नैरेटर ने एक संघर्ष वाली आत्मा, कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ संघर्ष किया, सामना किया। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, 6 जनवरी की सुबह तक वेव वाकर रोड आउट द स्टॉर्म, वेव वाकर ने तूफान को पार कर लिया। एंड बाई इवनिंग दे साइटेड द एमस्टर्डम आइलैंड, और शाम को उन्होंने एमस्टर आइलैंड को देखा। द नैरेटर इज नाउ रिलैक्स्ड, अब नैरेटर रिलैक्स था। जॉय, रिलीफ एंड कंप्लीट कॉन्फिडेंस वॉज एपरेंट, अब उसके मन में खुशी, आराम और विश्वास दिखाई दे रहा था। द सबटाइटल ऑफ ईच सेक्शन इज, अब हमें सबटाइटल बताना है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो तीनों सेक्शन के जो सबटाइटल हैं उसमें सेक्शन 1 जो पहला है, सेक्शन 1 चीयरफुल जर्नी है, सेक्शन 2 फेसिंग द वेव, सेक्शन 3 सर्चिंग द आइलैंड। इस तरह से ये तीनों सेक्शन हैं जो इस क्वेश्चन में पूछे गए थे और हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के साथ मिलेंगे, टॉकिंग द टेक्स्ट में उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।